हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं मैथ्स क्लास 9 देखिए चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम क्या है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के हम समझे तो इसका मतलब होता है चांस। क्या बोल सकते हैं हम इसको? चांस इसको हम बोल सकते हैं, या फिर अगर मैं इसे हिंदी में कहूं तो मैं क्या कहूंगा? संभावना। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहां पर? संभावना। तो संभावना या फिर चांस, देखिए हम चांसेस अगर देखते हैं तो अगर कोई दो टीम है ना, टीम ए, यहां पर लिखा है टीम बी। देखिए एक टीम ए है और एक टीम बी है, अगर इन दोनों के बीच मैच होता है, क्या होता है इन दोनों के बीच मैच होता है तो इसके जीतने के परसेंटेज कितने रहेंगे? 50% और इसके भी 50%, दोनों के कितने 50-50 चांसेस रहेंगे। बस इसी को हमें समझना है और यही क्या है हमारी प्रोबेबिलिटी है। अगर मैंने यहां पर देखा कि टीम जो है सी और टीम डी, अब ये अगर कितनी आ जाती है, चार टीमें यहां पर हो जाती है, तो चारों के जीतने के जो परसेंटेज रहेंगे वो कितने रहेंगे? अगर मैं एक बार देखता हूं तो 25% 25% 25% और 25%। ये तो टीम ए बी सी डी इन चारों के जितने जितने परसेंटेज रहेंगे 25% रहेंगे। अब हम चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ, प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है, हम इसे डिनोट करते हैं पीई। ई का मतलब यहां पर इवेंट होता है, तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ इवेंट। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने दो टाइप के इवेंट लिखे हैं, अब उन दोनों टाइप के इवेंट के बारे में आपको मैं समझा देता हूं। यहां पर लिखा है मैंने इवेंट, दो टाइप के इवेंट मैंने यहां पर लिखे हैं, एक है फेवरेबल इवेंट और एक है टोटल इवेंट। अब देखिए अगर मैंने यहां पर लिखा है, मैंने एक कॉइन को उछाला है, अगर क्या कर रहा है एक कॉइन को, देखिए आपको पता होगा कॉइन के दो फेस होते हैं, एक पहला होता है हेड और दूसरा होता है टेल। अगर मैंने आपसे कहा है कि मुझे एक कॉइन मैंने उछाला है तो उसके ऊपर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। क्या बताना है? हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताना है। तो अब आपको पता होगा, देखिए हेड कितनी बार आ जाए तो एक बार आ जाए। अब हम देखें अगर टोटल इवेंट कितने, तो कितने हैं टोटल इवेंट? टू। कितने हैं? टू। तो अगर मैंने यहां पर लिखा है कि हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/2। कितनी होगी? 1/2, क्योंकि फेवरेबल इवेंट 1 है और टोटल इवेंट 2 है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं हमारे पास एक डाइस है ना, हमारे पास एक डाइस है, डाइस को पता होगा आपको उसके ऊपर कितने देते हैं, 1 से लेकर 6 तक के नंबर लिखे हुए रहते हैं। अब मैंने बोला है कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, तो इवन नंबर कितने हैं? देखिए 2, 4, 6 कितने हैं टोटल? तो 3 है, और टोटल नंबर ऑफ इवेंट कितने? 6। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? 3/6, तो कितना होगा? 1/2, तो आंसर कितना होगा हमारा? 1/2। तो ये होती है हमारी प्रोबेबिलिटी और इसका ये फॉर्मूला होता है। चलिए अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक होती है? 0 से लेकर 1 तक कहां तक होती है? जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 0 से लेकर 1 तक ही होती है, इससे ज्यादा नहीं होती है। क्या होती है? इससे ज्यादा नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने यहां पर लिखा है कि हमारा आंसर 2 आया है तो वो गलत होगा। ठीक है, अगर मैंने यहां पर लिखा है कि आंसर 3 आया तो भी गलत होगा। मैंने लिखा -2 तो आंसर गलत होगा, -1 तो भी आंसर गलत होगा, क्योंकि ना तो 0 से क्या आ सकती है? छोटी आ सकती है, ना ही 1 से बड़ी प्रोबेबिलिटी हमारी आ सकती है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि अगर मैंने यहां पर लिखा है सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, क्या लिखा है कि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हमेशा कितना होता है? 1 ही होता है। कि जो प्रोबेबिलिटी एक ही क्वेश्चन में क्या होता है, अगर एक ही क्वेश्चन में हमने प्रोबेबिलिटी दे रखी है तो उन सबका सम भी कितना होगा? 1 ही होगा। उसके लिए हम देख लेते हैं,
देखिए यहां पर अभी मैंने हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताई थी, अगर मैं यहां पर टेल आने की प्रोबेबिलिटी बताता हूं तो वो कितनी रहेगी 1/2, क्योंकि टेल वेग बार है तो हमने उसको ऊपर लिख दिया है फेवरेबल इवेंट में, टोटल इवेंट 2 है। अब देखिए अगर हमने इन दोनों को प्लस करा है 1/2 प्लस 1/2 तो कितना होगा एलसीएम 2, जब एलसीएम सेम है तो पॉली डिजिट में हम सेम लिख देंगे 2/2, तो यहां पर कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा यहां पर हमारे पास 1। तो इसका मतलब ये है कि अगर एक ही इवेंट के बारे में हमें सारी प्रोबेबिलिटी अगर दे रखी है तो अगर हम उन सबको प्लस करेंगे तो कितना आएगा हमारा हमेशा 1, कितना आएगा 1। ये क्वेश्चन आपको किसी भी टाइप से आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है कहां से कहां तक लाई करती है, 0 से 1 तक करती है, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो ऑब्वियस इतना होता है 1 ही होता है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देख लेते हैं हम, क्या होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। यहां पर मैंने आपको फेवरेबल इवेंट और टोटल इवेंट सही से बता चुका हूं मैं। देखिए एक होता है सैंपल स्पेस, क्या होता है सैंपल स्पेस, तो वो भी टोटल नंबर ही, टोटल नंबर ऑफ इवेंट हम उसे कह सकते हैं कि टोटल जितने भी होंगे उसको हम क्या कहते हैं सैंपल स्पेस। पर अभी हम इसी वाले शब्दों का प्रयोग करेंगे, कौन से वाले का, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट। उम्मीद है कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, हम इसी के बेस पर क्वेश्चन करेंगे आगे के जो करने वाले हैं। सो आप इस वीडियो को एक बार समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू।